कुछ कुछ होने लगता है। मैं शब्दों का किसान हूं, मेरे करीब ये जो चेहरा दिखाई देता है, मेरे करीब ये जो चेहरा दिखाई देता है, जागते हुए में भी सपना दिखाई देता है। मेरे करीब ये जो चेहरा दिखाई देता है, जागते हुए में भी सपना दिखाई देता है, मगर ये एक ही जान है, किस किस को पेश करें हम? एक ही जान है, किस किस को पेश करें हम? हमें तो यहां का सारा मंजर बस प्यासा दिखाई देता है, प्यासा दिखाई देता है। आइए सांगतिक प्यास बुझाने के लिए मैं दावत अस्कंद हूं। हर दिल अजीज हमारे शहर भागलपुर नहीं वरन हिंदुस्तान की धरोहर जनाब एस कुमार साहब, हर गली हर शहर में आज इनकी परवाज है। ये वो शख्स जिस पर सुर और संगीत को भी नाज है, सुर और संगीत का ये अजीमो शान शहंशाह जनाब एस कुमार साहब की वो दिलकश आवाज। क्या बात, मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर के साथ। आज मेरा फर्स्ट शो है सर के साथ, गा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और जो गाना मैं सर के साथ गाऊंगी वो गाना मैं मोहम्मद अजीत साहब के साथ गाती थी। फिलहाल वो तो हमारे बीच है नहीं, लेकिन हमारे दिल में है। आज मैं सर के साथ गाने की कोशिश करूंगी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डॉक्टर कुलपति महोदय सोहाने सर, डीए सर, अर्शद सर। इस बार हम पीछे से बैटिंग कर रहे थे क्योंकि आदेश आया था कि सारे नए कलाकार नए चेहरे, पर्दा वही रहेगा। ये मैं बहुत आप सबों का आभारी हूँ कि सर इस कॉलेज का ऐसा लग रहा है कि हमको एक मेंबर, एक कर्मचारी बना दिए हैं। मैं सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, सर झुका के नमन करता हूँ। सर आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलते रहे और आप सबों का भी प्यार मिलता रहे। और ये जी बांग्ला की बहुत ही अच्छी सिंगर हैं और मैं लाने का कोशिश किया हूँ। और मोहम्मद अजीज साहब तो नहीं रहे, आइए उन्हीं के गीतों से आज इस प्रांगण को, इस पंडाल को सुहाना बनाते हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप पीछे लोगों की तरफ से। सारे शिकवे गिले भुला के कहूं, जो भी कहना हो कुरा सारे शिकवे गिले भुला के कहो, सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना हो मुस्कुरा के कहो। सारे शिकवे गिले भुला के कहो।
अनुसार हमारे बीच अब इस विश्वविद्यालय के गणमान्य शख्सियत पधारने वाले हैं जो आपके बीच अपने दिल के जज्बात बयां करेंगे। जी हां, मैं इस खूबसूरत से मंच पे किसान मेला के मंच पे आमंत्रण देना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर सोलंकी सर को, जो डायरेक्टर रिसर्च भी हैं इस विश्वविद्यालय के। जोरदार तालियों के प्यार के साथ मैं चाहूंगा कि सर हमारे बीच मंच पे आएंगे और अपनी ओर से चंद बातें आपके बीच। सभी की ओर से जोरदार तालियों का प्यार हो जाए, सभी की ओर से। क्या बात, हाजरीन, आदरणीय भ्राताश्री वीसी साहब और मेरे प्यारे साइंटिस्ट एंड फैमिलीज एंड पीपल फ्रॉम साबर एंड भागलपुर, वेलकम यू ऑल। मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा से हूं तो कुछ ना कुछ अगर वहां का नहीं सुनाऊं तो ये भी जाती है। मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा। पहले एक बार क्या हुआ कि पीछे ये बर्ड फ्लू का काफी जिक्र चला था और वो भागलपुर में भी फैल गया था और उससे शुक्र ये था कि जहां साबोर है उससे दूसरी तरफ फैला था और फैलता फैलता वो कई जो है पोल्ट्री फार्म्स को उसने लपेट में लिया और वो बढ़ता आ रहा था।
तो ये अब सारे पोल्ट्री फार्म्स के जो मालिक थे उनको सबको डर हो गया कि भाई ये तो बड़ी स्पीड से फैल रहा है और बर्ड्स मरेंगे और बड़ा नुकसान होगा।